17 मई 1498 में वर्तमान के केरला में मौजूद कलिकट के बंदरगाह पे पहली बार कुछ पुर्तगाली नाविकों ने कदम रखा। इनके आने के बाद से भारत की तस्वीर बहुत हद तक बदल गई। साल 1498 में पहली बार पुर्तगाली नाविक वास्को डा गामा ने भारत की खोज की थी। पर यहाँ एक सवाल आता है कि 1498 से पहले भी तो भारत में कई सारे विदेशी व्यापारी और आक्रमणकारी आए थे, फिर 1498 को कैसे भारत की खोज हुई? दोस्तों, असल में सिकंदर और मंगोल जैसे जितने भी आक्रमणकारी थे वो ज़्यादातर एशिया के ही होते थे, और वो उस समय उत्तर में मौजूद मशहूर रास्ता खेबत दर्रा से भारत में आते थे। पर 1498 में वास्को डा गामा ने पहली बार समुद्री रास्ते से भारत तक आने के लिए एक रास्ता ढूंढ निकाला था। भारत उस समय काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और ऐसे कई सारे मसालों के उत्पाद के लिए दुनिया भर में मशहूर था। इसी कारण दुनिया भर के देशों में भारत के साथ व्यापार करने के लिए होड़ लगी हुई थी। पर उस समय भारत के साथ व्यापार सिर्फ जमीनी रास्ते से होता था, और इस रास्ते से उस समय सिर्फ मुस्लिम शासक व्यापार किया करते थे, और वो यूरोपियन व्यापारियों को इस रास्ते से आने नहीं देते थे। पर यूरोप के व्यापारी किसी भी तरह से भारत में आके व्यापार करना चाहते थे, इसलिए कुछ यूरोपियन व्यापारी समुद्री रास्ते से भारत में आने का रास्ता ढूंढने लगे। कई साल प्रयास करने के बाद भी ये लोग असफल रहे, पर आखिरकार साल 1498 में वास्को डा गामा ने ये काम कर दिखाया और यूरोप के लोगों के लिए व्यापार का एक नया रास्ता खोल के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। चलिए जानते हैं भारत को ढूंढने का सफ़र कैसा था। साल 1460 में पुर्तगाल के सिंध शहर में वास्को डा गामा का जन्म हुआ था। उसके पिता एस्टेबो डा गामा पुर्तगाली राजा के नौसेना में काम करते थे। बचपन से नाविकों के बीच रहने के वजह से वास्को डा गामा भी एक समुद्री नाविक बनना चाहता था। इसीलिए साल 1480 में वास्को डा गामा ने भी अपने पिता की तरह पुर्तगाली नौसेना को ज्वाइन कर लिया। यहाँ उसे लंबी समुद्री यात्रा करने के लिए कई एडवांस तरीकों का पता चला, जो उस समय बिल्कुल नया था। उस समय पुर्तगाल के राजा हेनरी II पुर्तगाली नाविकों को समुद्री रास्ते से नए जगहों को ढूंढने के लिए आर्थिक रूप से मदद करते थे। इसी के चलते कुछ नाविकों ने कई सारे आइलैंड की भी खोज की थी। साल 1488 में पुर्तगाल के प्रसिद्ध खोजकर्ता बार्टोलोमियो डियाज ने पुर्तगाल और अफ्रीका के साउदर्न टिप तक एक समुद्री रास्ता ढूंढ निकाला था। इस पॉइंट को केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना गया। इस खोज से पता चल गया कि अटलांटिक महासागर केप ऑफ गुड होप के पास हिंद महासागर में जाके मिलता है। इस खोज को स्टडी करके वास्को डा गामा ने अंदाजा लगाया कि वो पहले केप ऑफ गुड होप के पास जाके वहाँ से हिंद महासागर में यात्रा करके एशिया तक पहुँच सकता है। इसी विश्वास के साथ वास्को डा गामा 4 जहाज और 170 आदमियों के साथ पुर्तगाल के लिस्बन शहर से अपने सफर को शुरू करता है। 4 जहाज़ों में से वास्को डा गामा जिस जहाज में सवार था उसका नाम था साओ गैब्रियल। उसका छोटा भाई भी इस सफर में उसके साथ था, जिसका नाम था पाउलो डा गामा, और वो जिस जहाज में सवार था उसका नाम था साओ राफेल। तीसरे जहाज का नाम था बेरियो, और चौथे जहाज के बारे में इतिहास में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलता। कुछ दिन के सफर के बाद उनका बेड़ा साओ टोमे द्वीप के पास से होके केप वर्डे आइलैंड में जाके रुकता है। यहाँ से वो साफ पानी रिस्टॉक करते हैं और कुछ बड़े पत्थरों के स्तंभ से जगह को मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, दरअसल ये नाविक अपने साथ कुछ बड़े पत्थर के स्तंभ लेके चलते थे। जो भी जगह उनको महत्वपूर्ण लगता था उधर वो इन पत्थरों से एक मार्क कर लिया करते थे, जिससे कि वो आते वक्त अपने रास्ते को पहचान पाए। 7 नवम्बर को उनका बेड़ा आज के साउथ अफ्रीका में स्थित सेंट हेलेना बे में पहुँचता है। मौसम खराब होने के कारण वो लोग कुछ दिन यहाँ रुकते हैं, और मौसम सही होने के बाद वो अपना सफ़र फिर से शुरू करते हैं, और नवंबर महीने के आखिर में वो केप ऑफ गुड होप में जा पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने के बाद वास्को डा गामा को भरोसा हो गया कि वो लोग एशिया में जरूर पहुँचेंगे। कुछ दिन यहाँ रुकने के बाद यहाँ भी पत्थर से एक मार्क लगा के वो 8 दिसंबर को आगे बढ़ते हैं। तकरीबन 3 महीने के सफ़र के बाद 2 मार्च 1498 को उनका बेड़ा मोजम्बिक में जा पहुँचता है। यहाँ वो अपने जहाज़ों को मरम्मत करते हैं और कुछ लोकल नाविकों से भी मिलते हैं, जिनसे इन्हें आगे के सफ़र के बारे में कई ज़रूरी जानकारी भी मिलता है। यहाँ वास्को डा गामा को यकीन हो गया कि वो बिल्कुल सही रास्ते में आगे बढ़ रहा है। मोजम्बिक से आगे बढ़ के कुछ दिन बाद वो केन्या के एक कोस्टल सिटी मुम्बासा में जा पहुँचता है। यहाँ के रूलर और लोकल लोग इनका स्वागत करते हैं और अच्छे से खातिरदारी करते हैं।
दरअसल यहाँ के लोग इनको अपनी तरह मुसलमान समझकर खूब मदद करते हैं। यहाँ से वो आगे बढ़ते हैं और अब इनके पास आगे के सफ़र के बारे में कई सारी जानकारी थी। कुछ दिन सफ़र करके वो केनिया के एक और कोस्टल टाउन मलेंदी में जाके रुकते हैं। यहाँ भास्कोडा गामा कांजी मलम नाम के एक गुजराती व्यापारी से मिलता है, जिसे कलिकट के बंदरगाह तक पहुँचने का रास्ता मालूम था। इस व्यापारी को अपने साथ लेके भास्कोडा गामा आगे बढ़ता है। तकरीबन 20 दिन हिंद महासागर में सफर करके 17 मई 1498 को वो और उसके साथी केरल के कलिकट में जाके पहुंचते हैं। भास्कोडा गामा कलिकट में तकरीबन 3 महीना रुकता है। ये 3 महीनों में वो भारत के बारे में कई सारी जानकारी जुटाता है। 3 महीने बाद कई सारे मसाले अपने साथ लेके वो वापस अपने देश पुर्तगाल के तरफ निकल जाता है। तकरीबन 38,600 किलोमीटर का सफ़र तय करके 2 साल बाद वो वापस अपने शहर लिस्बन में पहुंचता है। दोस्तों, ये सफ़र सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना आसान नहीं था। जब सफ़र शुरू हुआ था तब 170 लोग इस सफ़र में शामिल थे, पर जब वो वापस पुर्तगाल पहुंचे तब सिर्फ 50 लोग ही जिंदा थे, बाकी इस सफ़र के दौरान मर चुके थे। भास्कोडा गामा के इस खोज से पुर्तगाल के राजा बहुत खुश होते हैं और साल 1502 में फिर से उसे भारत यात्रा पर भेजते हैं। इस खोज के बाद पूरे यूरोप में भास्कोडा गामा का नाम प्रसिद्ध हो गया था। उसके ढूंढे रास्ते से अब कई सारे यूरोपियन देश भारत पहुंचे और बाद में इन्हीं यूरोपियन देशों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया। दोस्तों, अपने तीसरे भारत दौरे में 24 दिसंबर 1524 में कोचीन में ही बीमारी के कारण भास्कोडा गामा की मौत हो जाती है। पहले उसे कोचीन में दफना दिया जाता है, पर बाद में उसे वहाँ से निकाल के पुर्तगाल में भेज दिया गया, जहाँ उसे अपने होम टाउन में दफना दिया जाता है। दोस्तों, यही था आज का वीडियो। अगर आप जानना चाहते हो कि भारत अंग्रेजों का गुलाम कैसे बना, तो स्क्रीन पे जो वीडियो है उसे क्लिक करके जरूर देखिए।